हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ सीताफल बासुंदी कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने पके हुए सीताफल ले लिए चार। अब क्या करेंगे कि सीताफल का अंदर का पलखन निकाल लेंगे। ऐसे कोई बड़ा सा बर्तन लेंगे और एक छलनी ले लेंगे, उसके अंदर सीताफल का पलख निकालना है। तो ऐसे करके एक एक तोड़ के अच्छे से उसका पलख निकाल लेंगे हम। आप एक इस तरह से निकाल सकते हैं घिस के। और जो उसका छिलका है वो उसको साइड पे कर लेंगे। उसके अलावा इसकी दूसरी ट्रिक है, वो है इसका जो पल्प है सारा वो स्पून से निकाल ले पहले। तो इस तरह से सारा मतलब ऐसे पल्प निकाल के एक छलनी के अंदर डाल देंगे। इसको हाथ से ऐसे निकाल सकते हैं। और दूसरी ट्रिक है, वो है विस्कर की मदद से इसको निकाल सकते हैं। इसको इस तरह से छलनी में सारा इकट्ठा कर ले और फिर उसके ऊपर विस्कर अच्छे से चला ले ऐसे। तो सारे इसके जो अंदर से निकले हुए इसके जो बी है वो निकल जाएंगे और ये अलग से पल्प निकल जाएगा। और इसके जो छोटे छोटे ये वाइट वाले छिलके बचते हैं ना, वो हमको रखने हैं, वो हमको सीताफल के जो बासुंदी है उसके अंदर ही ऐड कर देने हैं। इस तरह से धीरे धीरे सारा पल्प निकाल लेना है। देखिए मैं आपको विस्कर की मदद से भी निकाल कर दिखा रही हूँ। बस इस तरह से विस्कर को आप गोल गोल घुमाते रहिए, सारे बी अलग हो जाएंगे, पल्प अलग हो जाएगा, बी भी अलग हो जाएंगे। और जो जो बी अलग हो जाते हैं उसको हम निकाल लेंगे। सबसे आसान तरीका ये है, फटाफट हमारा काम हो जाएगा। और फ्रेंड अभी क्या है कि वो करवा चौथ आ रहा है कल, ठीक है, तो उस पर भी आप ये बना सकते हो। देखो इस तरह से मैंने सारे बी निकाल लिए और पल्प भी निकाल लिया। इसके बाद क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे और उसके अंदर हम दूध डाल देंगे। मैंने ना फुल फैट मलाई वाला दूध ले लिया है। मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया है, पूरा मलाई वाला दूध है, जिसकी वजह से हमारी जो सीताफल बासुंदी है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसका उबाल आने देंगे हम। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा केसर डाल दिया है, जिसकी वजह से हमारी बासुंदी का कलर भी चेंज हो जाएगा, टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए दूध उबलने लगा है और जो हमारा केसर है उसका कलर भी धीरे धीरे बासुंदी के अंदर आने लगा है। बस इस तरह से चलाते जाएंगे। आधा दूध बच गया, जो दूध है वो आधा हो गया है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं, आपको कितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप डाल दीजिए। मैंने 4 से 5 स्पून चीनी डाल दी है। दूध है उसके हिसाब से और आप कितना मीठा खाते हैं उसके हिसाब से चीनी डालनी है। उसके बाद हम थोड़ा सा चीनी को घुल जाने देंगे। चीनी घुल जाने के बाद हम जो सीताफल का पल्प बना के रखा है वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये देखो नीचे जो पल्प है वो और ऊपर जो ये अलग से रखा है वो भी सब इसके अंदर ऐड कर लेना है। और फ्रेंड्स सीताफल भी मीठा होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीनी डालनी है। अगर ज़्यादा चीनी डाल देंगे तो सीताफल का मीठापन भी आएगा और चीनी का मीठापन भी आएगा, तो हमारी जो बासुंदी वो ज़्यादा मीठी हो जाएगी। बस इस तरह से पल्प सब कुछ ऐड कर लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप खाते ही रह जाओगे। फास्ट में भी बना के खा सकते हो आप। ये देखिए हमारी बासुंदी बनके रेडी हो रही है, दूध उबल रहा है अच्छे से, दूध गाढ़ा हो गया है और हमारी बासुंदी भी अच्छे से गाढ़ी होने लगी है। देखिए जो हमारा पैन है उसकी साइड पर भी उसकी परत जमने लगी है। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर काजू बादाम पिस्ता इन सब की कतरन डाल देंगे और ये कतरन डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। अब एक बर्तन में निकाल लेते हैं या फिर
आप किसी भी बाउल में, कटोरी में आप सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कर लेना, सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियो को लाइक कर लेना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।